तमाम मानों के तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एन टी नेट फॉर गैदअप। आज मैं आपके सामने मानू असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन एमए फर्स्ट ईयर 2019-20 का उर्दू का असाइनमेंट विद सॉल्व लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट वन। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आपको बता दूँ इससे पहले कि मैंने बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का उर्दू का असाइनमेंट मैंने बना दिया है। अगर आपके दोस्तों में या कोई भी जान पहचान का अगर बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर कर रहा है तो आप उसको बता दीजिएगा कि मैंने असाइनमेंट मैंने सोल्व कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो आइए बिना ताखिर शुरुआत करते हैं सवाल पहले असाइनमेंट से। एम ए उर्दू साले अव्वल 2019-20, दूसरा पर्चा मसनवी, मरसिया और नज़्म। मसनवी, मरसिया और नज़्म के मुतालिक पहला पर्चा का यहाँ पर कुछ सवालात हैं जो दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है, ये मफूजा तीन हिस्सों पर मुश्तमल है, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम, तमाम हिस्सों के सवालों का जवाब देना लाजमी है। उस मफूजा के जुमला निशानात 30 हैं। तो पहला सवाल हिस्सा अव्वल में आपको असाइनमेंट A4 साइज पेपर में लिखना है और सिंगल साइड लिखना है, डबल साइड नहीं, सिंगल साइड। ये पहला ऐसे हिस्सा अव्वल में 10 जेल सवालों के सही जवाब की निशानदेही कीजिए, यानी 5 × 10, यानी 5 सवालात हैं और 5ों का जवाब देना लाजमी है। तो आइए बिना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला सवाल है, सुबह उम्मीद के शायर कौन है? तो सुबह उम्मीद के शायर कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सुबह उम्मीद के शायर हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उसके बाद दूसरा सवाल है, किस दखनी शायर ने उर्दू नज़्म को सबसे पहले रुमानी मौजूआत से संवारा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशरफ बयाबानी ने। इसका सही जवाब हो जाए सॉरी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। पहला सवाल हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किस दखनी शायर ने उर्दू नज़्म को सबसे पहले रुमानी मौजूआत से संवारा है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तीसरा सवाल है, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ये मशहूर नज़्म किस शायर की है? तो ये फैज़ अहमद फैज़ की है। चौथा सवाल है, इकबाल की पहली तवील नज़्म कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिकवा। पाँचवा सवाल है, कौन सा मजमू कलाम मखदूम का नहीं है? तो इनमें से कौन सा मजमू कलाम मखदूम का नहीं है? तो नक्श फरियादी। नक्श फरियादी ये जो है मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का है। बाकी तीनों जो है, सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बसाते रक्स। सुर्ख सवेरा ये मखदूम का पहला शेरी मजमुआ है, गुलेतर और बसाते रक्स ये तीनों मखदूम के शेरी मजमू हैं और नक्श फरियादी फैज़ अहमद फैज़ का है। तो असाइनमेंट का दूसरा पर्चा का मसनवी, मरसिया और नज़्म का हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। पहला का जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा का जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तीसरा का जवाब है फैज़ अहमद फैज़, और चौथा का जवाब है शिकवा, और पांचवा का जवाब है नक्श फरियादी। तो असाइनमेंट दूसरा पर्चा का मसनवी, मरसिया और नज़्म के मतलब मैंने पार्ट वन यानी हिस्सा अव्वल सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा दोम में सबसे पहला सवाल है, किसी दो सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए, यानी चार क्वेश्चन हैं, इनमें से किसी दो को सॉल्व करना है। तो मैं चारों को सॉल्व करा दे रहा हूँ। सबसे पहले है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तो इनका जवाब आपको मिल जाएगा 330 में, पेज नंबर 330 में। उसका दूसरा सवाल है, नूर मिम राशिद की शायरी का तनकीदी जायजा लीजिए, तो इसका पेज नंबर 319 में मिल जाएगा, 319 दो नंबर सवाल का। तीसरा सवाल है, मखदूम की समाजी और इंकलाबी शायरी पर तफसली नोट कलमबंद कीजिए, तो यह है 465। पांचवा है, दोहे के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसके बार जवाब जो है बहुत मुख्तसर दिया था, इसलिए मैंने इसका जवाब नहीं लिखा है। तो ये किसी दो का आपको सॉल्व करना है, तो यह मैंने 3 सॉल्व कर दिया है, जिसमें पहला सवाल का
जवाब आपको 330 नंबर पेज में मिल जाएगा, और दूसरे सवाल का जवाब 319 नंबर में, और चौथा नंबर का 365, यानी पांच नंबर का जो आपको जवाब एक से डेढ़ पेज में लिखना है, ज़्यादा नहीं, एक से डेढ़ पेज में लिखना है, और सिंगल साइड लिखना है A4 साइज में, और चारों तरफ हाशिया, आप हाशिया जरूर देना, बाउंड्री जरूर देना। तो ये असाइनमेंट MA उर्दू साले अव्वल दूसरा पर्चा का मसनवी मरसिया और नज़म के मतलब हिस्सा दोम हमने सॉल्व कर दिया। अब है हिस्सा सोम। तो हिस्सा सोम में किसी एक सवाल का तफसीली से जवाब दीजिए। तो किसी तीन सवाल दिए गए, किसी एक का जवाब लिखना है। तो इसमें सबसे पहला सवाल का पेज नंबर आपको 378 में मिल जाएगा, दूसरा का आपको 302 नंबर में मिल जाएगा, और तीसरा का आपको मिलेगा 437 में। तो असाइनमेंट हिस्सा MA उर्दू साले अव्वल दूसरा पर्चा का असाइनमेंट पार्ट 3 भी हमने सॉल्व कर दिया, हिस्सा सोम ने भी सॉल्व कर दिया। अब यह है दूसरा पर्चा मसनवी मरसिया और नज्म महफूजा काम असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 1 का एक और सवाल है दूसरा पर्चा असाइनमेंट 1 का। तो उसमें हम सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में पहला सवाल है किस मसनवी को दक्कन का शाहनामा कहा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलीनामा। दूसरा नंबर है मसनवी जहूर नामा किस शायर का नाम बताइए, तो अली सरदार जाफरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मरसी के अज्जाए तरकीबी कितने हैं, तो 8 हैं, 8 हैं। पहला का है अलीनामा, दूसरा का है अली सरदार जाफरी, तीसरा का है 8, और चौथा का है वहीद अख्तर के मरसियों के मजमूए का नाम क्या है, तो करबला। उसके बाद किस सन में अनीस का इंतकाल हुआ, तो 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में अनीस का इंतकाल हुआ। तो ये मैंने असाइनमेंट दूसरा पर्चा मसनवी मरसिया और नज़्म के मुतालिक असाइनमेंट का हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद हम हिस्सा दोम सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल है मसनवी गुलजार नसीब में बकावली का किरदार कलमबंद कीजिए। तो इसका पेज नंबर आपको 105 में मिल जाएगा, 105 पहला सवाल का। दूसरा सवाल का है मसनवी जहरे इश्क का किस्सा अपने अल्फाज में लिखिए, तो इसका पेज नंबर 118 में मिल जाएगा। तीसरा सवाल हमारे दफिर की हयात पर रोशनी डालिए, तो इसका 195 में इसका जवाब मिल जाएगा। और चौथा है मरसिया की तहजीबी अहमियत पर तबसरा कीजिए, तो इसका 153 में मिल जाएगा। तो ये चारों सवाल का मैंने जवाब बता दिया, जबकि दो लिखना है, किसी दो का जवाब आपको बताना है, जो आपको पसंद करे वो आप लिख सकते हैं। और असाइनमेंट 5 नंबर का जो है डेढ़ पेज में लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है, डेढ़ पेज में लिखना है, खूबसूरत राइटिंग में लिखना है और सजा करके लिखना है। तो असाइनमेंट का पार्ट 3 हम सॉल्व करेंगे हिस्सा सोम, जिसमें है सबसे पहला सवाल है शहरुल बयां के अहम किरदारों के बारे में तफसील से लिखिए, तो इसका पेज नंबर आपको 78 में मिलेगा। दो नंबर है मरसिया के जाय तरकीबी तफसील से बयान कीजिए, तो इसका 150 नंबर पेज में मिलेगा। और तीसरा है अनीस व दबिर की मरसिया नगारी का तकाबली जायजा लीजिए, तो इसका पेज नंबर 142 और 143 में मिलेगा। तो ये हमने दूसरा पर्चा मसनवी मरसिया और नज़्म के मतलब असाइनमेंट हमने सॉल्व कर दिया। पहला पर्चा गज़ल कसीदा और रुबाई, पहला पर्चा गज़ल कसीदा और रुबाई से मुतल्लिक ये महफूजा काम 3 हिस्सों पर मुश्तमल है, जिसमें है फ़न कसीदा निगार। तो तरजल सवालों के हिस्सा अव्वल हम सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल है फ़न कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है, तो सौदा को कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा सवाल अलीनामा में कितने कसीदे हैं, तो 9 हैं। तीसरा सवाल है कसीदा मदीहुल खैरुल मुरसलीन के शायर कौन है, तो मोहसिन काकुरी। याद रहे कि मोहसिन काकुरी जो है नातिया कसीदे के लिए मशहूर है, तो उन्होंने कसीदा मदीहुल खैरुल मुरसलीन ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखा था,
इसीलिए इनको मोहसिन काकुरी नातिया कसीदे के लिए मशहूर है। चौथा नंबर सवाल है, रुबाई का मुअज्जिद किसे कहा है? तो रुबाई का मुअज्जिद जो है ये अबुल शिकवा बल्खी को कहा जाता है, अब्दुल शकुर बल्खी को कहा जाता है। बहुत से मौक़िक़ीन ने अब्दुल शकुर बल्खी को माना है, लेकिन अबुल हसन रुदकी ने सबसे पहले रुबाई की, इसमें इख्तलाफ है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा मौक़िक़ीन ने अब्दुल शकुर बल्खी को रुबाई का पहला मुअज्जिद करार दिया है। पाँचवा नंबर है, अगर अबुल हसन रुदकी भी आप मारेंगे तो ये गलत नहीं होगा, अब्दुल शकुर बल्खी ये दुरुस्त है। उर्दू के पहले रुबाई गो कौन है? तो उर्दू के पहले रुबाई गो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। तो ये पहला पर्चा गज़ल कसीदा और रुबाई का मैंने पार्ट वन यानी हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद है हिस्सा दोम। तो हिस्सा दोम में सबसे पहला सवाल है, कसीदे के इज्जाए तरकीबी क्या है? तो कसीदे के इज्जाए तरकीबी में इसका जवाब आपको पेज नंबर 182 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर टू है, ज़ौक की तस्बीहों की खूबियाँ बयान कीजिए। तो इसका पेज नंबर आपको 233 में मिलेगा, 233। और तीसरा नंबर सवाल है, रुबाई की तारीफ कीजिए और अपने किसी पसंदीदा शायर की रुबाई कीजिए। तो इसका पेज नंबर आपको मिलेगा 254, तीसरा का 254 और चौथा का 318 में मिलेगा। चौथा सवाल का आपका जवाब 318 में मिलेगा। पहला का है 182 में उसका आंसर मिलेगा, दूसरा का 233 में मिलेगा और तीसरा का 254 में मिलेगा और चौथा का 318 में मिलेगा। तो ये असाइनमेंट पर्चा, पहला पर्चा का गज़ल कसीदा और रुबाई का मैंने यहाँ देखिए पहला पर्चा का ही अभी चल रहा है, गज़ल कसीदा का दो है और मसनवी मरसिया का नज़्म का भी दो है। तो ये मैंने उसका पहला हिस्सा कंप्लीट कर दिया, दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट किया और तीसरा हिस्सा यानी पार्ट थ्री। तो पार्ट थ्री में सबसे पहले है किसी एक सवाल का जवाब देना है, जिसमें सबसे पहले है नुसरती की कसीदा निगारी का जायज़ा लीजिए। तो नुसरती की कसीदा निगारी का जायज़ा लीजिए, तो इसका पेज नंबर आपको 211 में मिलेगा। तीसरा है, सौदा ने तजी के रोज़गार में किसका मुजहका उड़ाया है और कसीदा में क्या कहने की कोशिश की है? तो इसका पेज नंबर 223 में मिलेगा। और चौथा नंबर है, अमजद की रुबाई गोई पर तबसरा कीजिए। तो इसका पेज नंबर 325 में मिलेगा। अच्छा, गज़ल कसीदा और रुबाई का एक हिस्सा बाकी रह गया है, उसका जवाब मैं आपको पार्ट टू और पार्ट थ्री में मैं बता दूंगा। उसका जवाब यानी गज़ल कसीदा और रुबाई का एक हिस्सा और बच गया है, उसका जवाब मैं नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए जा दीजिए अपने दोस्त तौफीक का एमए उर्दू साल अव्वल 2019-20 का पर्चा, पहला पर्चा का गज़ल कसीदा रुबाई का मफूजा काम, जिसमें पार्ट वन हमको सॉल्व करना है। ये मफूजा तीन हिस्सों पर मुश्तमल है, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम और हिस्सा सोम। तो पार्ट वन हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है, जब शेर में एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुशाबहत दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको तस्बीह कहते हैं। उसका जवाब हो जाएगा तस्बीह। दूसरा सवाल है, शेर में ऐसा लफ्ज़ लाया जाए जो मानी हो, एक करीब मफहूम हो जिसकी तरफ फौरी जहन मुंतकिल हुआ, और दूसरा मफहूम बईद हो जो गौर करने पर खुले, इस सनत को क्या कहते हैं? इस दो सनत इहाम कहते हैं। सवाल नंबर थ्री है, इस शेर के शायर का नाम बताइए। साजिया साजिया की ना साज किया जाने, नाज वाले न्याज किया जाने। इसका सही जवाब है दाग दहलवी, ये दाग दहलवी का शेर है। चौथा नंबर सवाल है, वली का दीवान दहली कब पूछा? तो इसका जवाब हो जाएगा 1719। पहला का जवाब है तस्बीह, दूसरा का जवाब है सनत इहाम, तीसरा का जवाब है दाग दहलवी और चौथा का जवाब है 1719। वली का दीवान दहली कब पूछा? तो 1719। पाँचवा नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा मजमुआ नासिक आजमी का है? तो इसका जवाब हो जाएगा बरगे नए, ये बरगे नए नासिक आजमी का शेरी मजमुआ है। तो असाइनमेंट पार्ट वन यानी हिस्सा पहला पर्चा का पार्ट वन हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद दूसरा में किसी दो सवाल के जो मुख्तसर जवाब दिए। तो पहला है, मोहम्मद कुली के कलाम की सादगी पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर जो है 51 में मिल जाएगा।
दूसरा सवाल है गज़ल गालिब की गज़ल गोई का मुख्तसर जायज़ा लीजिए, तो इसका जवाब हो जाएगा 109 में। और तीसरा है फ़िराक की शायरी में रात की अहमियत क्या है, तो इसका पेज नंबर 151 में मिल जाएगा। और चौथा है नासिर काज़मी गज़ल गोई की नुमाया खसूसियत बयान कीजिए, तो इसका पेज नंबर 172 में मिल जाएगा। तो ये हिस्सा दोम पार्ट टू का मैंने चार सवालात दिए गए थे, चारों सवालात का जवाब मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको जवाब दो ही लिखना है, दो आपको पसंद हो उसमें से दो का जवाब आपको लिखना है। तो ये पार्ट टू हमने सॉल्व कर दिया। अब है पार्ट थ्री, तो पार्ट थ्री में हिस्सा सोम में सबसे पहले है किसी एक सवाल का जवाब देना। तीन सवालात दिए गए जिसमें किसी एक का जवाब देना है। तो पहला सवाल का जवाब आपका हो जाएगा वली की शायरी की खसूसियत मिसालों के साथ तहरीर कीजिए, तो इसका पेज नंबर 74 पे हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है आतिश की गज़ल गोई की इम्तियाजी खसूसियत बयान कीजिए, तो इसका पेज नंबर 100 में मिल जाएगा। और तीसरा है जदीद गज़ल में मजरू की इम्फाले पर नोट लिखिए, तो 162 पे मिल जाएगा। याद रहे कि जदीद गज़ल की बुनियाद हाल ही ने डाली थी और इनफ़रादियत मजरू की मजरू सुल्तानपुरी एक जो है मजरू सुल्तानपुरी ये तरक्की पसंद शायर थे और गज़ल ये खालिस गज़ल को शायर थे, इन्होंने गज़ली ही लिखी थी। ये गीत कार भी थे, गीत भी लिखा करते थे मजरू सुल्तानपुरी, इनकी कई गीत आपने फिल्मों में सुनी होगी। तो ये मजरू सुल्तानपुरी जदीद गज़ल में मजरू की इंफानी पर नोट लिखी है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की रियाज दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।